नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज घरौंदा के साथ चलते हैं कुफरी। तो फ्रेंड्स, रास्ते का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। कुफरी जाने के देहरादून से दो रास्ते हैं मेन, एक चंडीगढ़ के, एक बाय नाहन। तो हम नाहन के रास्ते से आए हैं जहाँ पर व्यू बहुत सुंदर सुंदर है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यू वहाँ के चेंज होते रहते हैं, मतलब कहीं पर किस तरह के पेड़ है, फिर आगे किसी और तरह के व्यू आ जाता है, लेकिन ये नेचर लवर के लिए बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं रील बना रही हूँ और ये कुफरी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट था जहाँ पर मैंने रील बनाई है और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू है यहाँ पर। और आपको सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने भेलपूरी खाई थी और भेलपूरी वाकई में बहुत टेस्टी थी। फ्रेंड्स, रास्ते में आपको छोले कुलचे, मैगी और भेलपूरी के काफ़ी स्टॉल या छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने रूम में आ गए हैं। हम रुके हैं होटल स्टर्लिंग में और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ अपना। यहाँ पर छोटा सा फ्रीज भी है, एक हमें लॉकर दिया गया है और कबर्ड्स भी फ्रेंड्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। और एक साड़ी के लिए प्रॉपर मिरर है और ये यहाँ का जो टीवी लगा रखा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और जो हमें ये देते हैं कि टी के पाउचेज वगैरह है। रूम हमारा काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स और यहाँ पर जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। बाथरूम भी उसका नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा है, मतलब मैं अपने रूम से सेटिस्फाई हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए टॉवल, इन्होंने मोस्टली क्या होता है, टॉवल के लिए कुछ सेल्फ वगैरह रखे हैं पर इनके लिए डोर में टॉवल है। और फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइजर वगैरह हैं। और अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, एक वैसे ही हम घूमने जा रहे थे क्योंकि कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो किसी और होटल में ठहरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर व्यू है इस होटल में से। यहाँ पर व्यू की तो कोई कमी नहीं है कुफरी में, हर जगह आपको व्यू है और पेड़ पौधे पहाड़, मतलब आपको अगर नेचर लवर हैं तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग है फ्रेंड्स। हमें बताया गया कि जो होटल की टॉप है वहाँ से एक एडवेंचर पार्क का रास्ता जाता है और एक वहाँ पर जू या एक छोटा सा पार्क भी है, तो वहाँ चलते हैं। तो हमारे जो लॉयंस क्लब के फ्रेंड्स हैं तो वो भी कहने लगे कि हम चलेंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आशुतोष भैया, उनके क्लब के मेम्बर्स यहाँ पर बैठे हुए थे, तो हम सब उन्हीं के साथ निकल गए। तो फ्रेंड्स, रास्ते का व्यू बहुत सुंदर है और थोड़ी सी चढ़ाई है, व्यू तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह, मतलब मुझे तो ज़्यादा नीचे देखते हुए भी डर लगता है, लेकिन व्यू फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर था। और फ्रेंड्स देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा है। ये बताया ऊपर एडवेंचर रिजॉर्ट है, एडवेंचर पार्क, तो देखते हैं आप कैसे एडवेंचर है। ये तो आगे आगे जा रहे हैं और हमारे लॉन्च क्लब के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। और तो फ्रेंड्स खड़ी चढ़ाई टाइप से है, देखते हैं क्या है वहाँ पर। और मैंने बेवकूफ़ी ये की है, कि मैं ना तो शूज़ पहन कर आई हूँ ना फ्लैट पहन कर आई हूँ, मेरी इसमें हल्की हील है, सैंडल पहन कर आ गई हूँ। और ये खड़ी चढ़ाई है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है चढ़ने में, क्योंकि कई कई फ्रेंड्स यहाँ पर पानी भी पड़ा है तो क्योंकि बारिश हुई थी आज यहाँ पर, तो उसमें भी चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका भी एक अपना मज़ा है। ये छोटा सा फ्रेंड्स से चाय वगैरह ले सकते हैं आप, यहाँ पर बैठ कर चाय पी सकते हैं। चढ़ाई है, थोड़ा थोड़ा सांस भी फूल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं, देखते हैं वहाँ पर होगा क्या। और बंदर दिख गया मुझे, और वो देखिए घोड़ा। यहाँ पर मैं बताया गया, यदि आप 1 किलोमीटर और ऊपर इसी तरह की चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आपको जू मिलेगा या पार्क मिलेगा जहाँ पर हमें मतलब जाएगा। और यहाँ पर ये घोड़े नीचे हैं, यहाँ पर आप घोड़ों से बैठकर, उनका एक कच्चा रास्ता है वहाँ से एडवेंचर पार्क जा सकते हैं फ्रेंड्स। उनका घोड़ों का अलग रास्ता है लेकिन यहाँ पर काफ़ी घोड़े हैं। और यहाँ पर एक पार्किंग भी है जिसपे लिखा था ये घोड़ों की पार्किंग है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमने जाने का इरादा तो त्याग दिया है और अब हम सब लोग वापस जा रहे हैं होटल में जहाँ पर कि लॉन्च मेंबर्स और ठहरे हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यू की तो कोई कमी नहीं है, आपको हर जगह व्यू मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो ये मौसम है वो अच्छा है, हल्के हल्का ठंडा है, मतलब ये अच्छा लग रहा है, इतना ठंड में अच्छा लग रहा है। और ये है होटल जहाँ पर कि लॉन्च फ्रेंड्स रुके हुए हैं। तो देखिए लिफ्ट से भी कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और यदि आपको ग्रीन वाइब्स अच्छी लगती है तो ये कुफरी आपके लिए जन्नत है। तो फ्रेंड्स देखिए होटल कितना सुंदर है, ये स्टर्लिंग होटल नहीं है फ्रेंड्स, ये दूसरा होटल है। और ये देखिए उसका व्यू बहुत सुंदर है और इसका रिसेप्शन आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है फ्रेंड्स। कुफरी में मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर वुडन वर्क बहुत ज़्यादा कराया गया है होटल में, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आप नेचर लवर हैं, आपको एकांत में रहना है और आपको मतलब
नेचर्स आपको बहुत पसंद है तो आप कुफरी ज़रूर आइएगा, कुफरी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये डिनर के बाद हम लोग वैसे ही वॉक करने गए थे, मैं, मितेश भाभी, आशुतोष भैया और मेरे हस्बैंड। तो फ्रेंड्स आई होप, ये हमारा होटल स्टर्लिंग, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।